दस में से आठ नंबर आए हैं। कौन से में? इंग्लिश। गीला हो गया, भागे वो गीला हो जाएगा। गीला कृषभ बॉल लाता हुआ और ये बॉल फेंक दिया कृषभ ने बहुत दूर और ये भाग गया। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं हो गया नहा-धोकर रेडी और आशा करता हूँ कि सब मस्त हो गए। और अभी मैं हो गया नहा-धोकर रेडी और फटाफट से अब मैं चलता हूँ और यहाँ पे अपने मंदिर में पहले मैं दिया जला के धूप जला के फिर बच्चों को उठाता हूँ स्कूल के लिए। बच्चों को उठाने के बाद फिर मैं जाऊँगा मंदिर और मंदिर से आऊँगा भगवान जी की पूजा करके, उसके बाद हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे। तो अभी तो मैं हो गया हूँ तैयार और सुबह के बज चुके हैं अभी 6:30, तो अभी चलते हैं और अभी बच्चों को उठाते हैं उसके बाद जाएंगे मंदिर। तो देखो एक इधर सो रहा है, एक इधर सो रहा है और बिल्कुल 7 बजने वाले हैं, अभी तक सो रहे हैं। स्कूल कब जाओगे भाई? उठो। गुड मॉर्निंग। अरे मेरे बेटा को लग गया चोट। अरे रे रे रे, उठो। सिर में लग गया? कैसे लग गया भाई? स्कूल के नाम सुनते ही देखो कैसे कर रहा स्कूल। लग गया ना? बहुत अच्छा हो। अमन अमन उठो। अरे अमन उठ जा। तो भाई ये ना उठ रहे। तो अमन उठ चुका है और कृषभ भी उठ चुका है, तो मैं अब चल रहा हूँ। हम भी उठ चुके हैं, ये इतने तैयार हो रहे हैं, तो मैं आ रहा हूँ इतने मंदिर से और पूजा करके फिर चलते हैं। तो आ रहा फटाफट से, जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है? तो मैं आ चुका हूँ मंदिर और अभी मैं पूजा करके जाऊँगा। और आज हवा चली है रात में, तो देखो मंदिर में कितने पत्ते की बरसात हुई है। पत्ते जहर हो गया, उसके बाद भी इतने पत्ते निकले हैं। तो करते हैं हम बाबा की पूजा और फिर चलते हैं हम। तो कल की तरह ही आज भी इतना मस्त हवा चल रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है सुबह सुबह, जैसे धूप भी निकल आया है। तो अभी मैं आया हूँ इधर गार्डन में और इधर का मौसम बहुत ही मस्त है और ऐसा हवा चल रहा है, बिल्कुल इधर आने के बाद बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ जाती है, जैसे गांव में बिल्कुल सुबह सुबह हवा चलता है ठंडी ठंडी और पेड़ पौधे। तो इधर बिल्कुल नेचुरलिटी दिखती है इधर, तो मस्त हवा लग रही है इधर और घूमने भी थोड़ा मज़ा आता है इधर। तो ये है गार्डन और इधर पेड़ है और यहाँ पे फ्रूट्स के भी पेड़ हैं। इधर आम है और चीकू है, आड़ू है और कई सारे पेड़ हैं और इधर भी है। तो आज वैसे भी मौसम भी अच्छा है और हवा भी मस्त चल रहा है। तो मैं आया तो मैं रोज़ की तरह इधर आता हूँ और इधर बेल का पेड़ है, तो थोड़े से बेल का पत्ता लेने आया हूँ मैं। और बेल लेके बाद बेल के पत्ता लेके मैं भोले बाबा को चढ़ाने के लिए रोज़ आता हूँ बेल का पत्ता लेने। तो यहाँ बेल का पेड़ है जो कि अभी पतझर हो गया था, लेकिन अब बहुत सारे पत्ते आ चुके हैं इसमें। तो चलते हैं अब लेते हैं बेल का पत्ता और चलते हैं। हो गया, ये देखो क्या मस्त बेल का पत्ता हो रहा है, मस्त बेल के पत्ते हो गए। ट्राई से कम तो बच्चों को स्कूल छोड़ आया हूँ और थोड़ा सा पत्ता है मंदिर में, तो इसे इकट्ठा कर देता हूँ और इसके बाद जाऊँगा शॉप पे। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, वैसे यहाँ पत्ते ही पत्ते हो गया मंदिर में। तो सारे सफाई हो चुका है मेरे शॉप पे और मैंने सब कुछ लगा दिया फ्रिज में और झाड़ू वाड़ू लगा कर और झाड़ पूछ के एकदम चकाचक कर दिया। इसके पेट में हो रहा दर्द, डॉक्टर ने इसको मना करा है कुछ दिवाने के लिए नहीं। और ये किंडोजू के लिए इतना तेज रो रहा है, अभी स्कूल से आया और रो रहा है, बताओ कोई तरीका है इसका है? और मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को क्या गाली दिया। क्या बोला? पापा गंदे हैं। पापा जब स्कूल से आ रहा था कह रहा किंडोजू दिवा दो, इसके पेट में दर्द हो रहा, बुखार लगा हुआ इसको, तो डॉक्टर ने इसको मना करा इसको कुछ नहीं बाहर का देने के लिए, इसलिए तेरी तेज रो रहा है। और मैं बोलो तो मेरे को मारने को भाग रहा है, डंडे से मेरे को मार रहा है, बताओ मेरा बेटा हो क्यों मुझे मार रहा भैया देखो। तो बड़ी मुश्किल से कृषभ अब चुप हुआ है और अब कृषभ को क्या खाना है? अब तो मत रो, अब तो चुप हो गया। तो कृषभ को क्या खाना है बताओ, क्या खाना है? क्या लोगे? ले लो, जूस लोगे, मिल्क शेक लोगे, केक लोगे, खा लो। कृषभ के लिए इतना ऑप्शन है, बताओ ये तीनों ले लो आपके लिए। किंडोजो नहीं मिलेगा बेटा, किंडोजो नहीं मिलेगा। अरे किंडोजो डॉक्टर ने मना करना है, डॉक्टर ने मना करा है ना, उसे पेट में दर्द, दांत में कीड़े, देख सारे दांत तो तेरे खराब हो गए, देख देख सारे दांत में कीड़े लग गए, फिर रोया चालू हो गया भाई। तो हम आ चुके हैं घर और अब करेंगे हम लंच का, समय हो चुका है और अमन भी आ चुका है स्कूल से और कृषभ भी आ चुका है। अमन ये रोंदू आ चुका है रो रो के, एक वो देखो वो नंगू खेल रहा है एक, और वो देखो एक पिटा स्कूल में आज, वो पिटा स्कूल में, मेरे को पता चली है पिटा स्कूल में, पता क्या करा है ये ना, बाजू ऊपर करके स्कूल में ऐसे रख, सर ने दिया दो रेप्टा इसको। पूछ अमन कैसे पिटा था, ये कैसे पिटा था अमन, कैसे पिटा था बताओ, कैसे पिटा था? ये ना बाजू ऊपर कर रखा था तो सर ने देख लिया, तो ऐसे पीठ पे
सकते टमाटर वाला और कड़ा पैर रखा था। मेरे क्लासमेट ने बोल दिया मैं कड़ा पैर रखा था तू बोल। तो हरकत कर रहा था रवि और पिटाई खाया आज क्लास में, आज मैं बताऊंगा सबको। और ये देख छोटा बच्चा बैठ के देख रहा है नंगू। ओ कह रहा आराम से मारा सर ने, पिटाया फिर भी कह रहा आराम से मारा सर ने। ओ बाजू ऊपर करके हीरो बनने जाता है स्कूल में, पिट के आया भाई। क्या खिलौना बना रहे हो रे, क्या बना रहे हो? ते नंगू बच्चा को देखो भजन गा रहा है, क्या हुआ? ये रवि रवि पिटा इसलिए अभी खुश हो रहा भाई। बहुत चिढ़ा दिया रवि को, अब वो चिढ़ गया, सच में चिढ़ गया, रोने लगा, भाग गया वो उधर। और फिर चलो अब हम जा रहे हैं, अब लंच करेंगे बैठ के आराम से। इंग्लिश बहुत बुरा काम कर दिया तू। भैया ये देखो कृषव दे रहा है पार्क में पानी गार्डन में। ओए ओए दा देख ये क्या कर रहा है। नहीं मेरे ऊपर नहीं डालना, मैं तेरे ऊपर डालूं? और ये अमन आ गया सो के। ओए मेरे को काट मत। अमन आ गया सोता हुआ आंख बंद। अमन अच्छा दे दे ये देखो पेड़ को पानी दे रहा, घास को पानी दे रहा दोनों। नहीं लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। अरे देख कपड़े गीले हो जाएंगे अमन, छोड़ दे देखियो। ओए ओ गीला हो गया भागे, ओ गीला हो जाएगा, गीला हो जाएगा, हट जा हट जा हट जा, गीला हो जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं देखते थोड़ा अपने प्लांट्स को, हमने घिया का पेड़ लगाया था तोरी का, देखता हूँ बचा है कि सूख गया, कई दिनों से पानी दिया उसको, अगर पानी जोत होगी तो अभी हम पानी देंगे। और अच्छा पानी देंगे अभी तो उधर पार्क में दे रहे ना अंकल, देखते हैं हमारा घिया तोरी सूखा है या बच गया है। तेरा सूख गया नहीं, इतना जंगल हो गया देखियो, देख लो ले। ओ तो सारा भूजा बन गया, तो बिना पानी के जल गया सब, ये तोरी भी जल गई बिना पानी के। भाई ये क्या हुआ? ओ लौकी तो सही हो रहे हैं, ये पानी चाहिए लौकी में भी, लौकी का पेड़ तो सही हो रहा है। सबका सूख गया, कृषव का घिया तोरी सूख गया, अमन का भी सूख गया, मेरा बचा हुआ है लौकी। तुम लोगों ने पानी नहीं दिया सूख गया, मैं तो दिया नहीं तुम लोगों को, तो मैं जा रहा हूँ अपने में पानी देने। नहीं मैं दूंगा आपके पानी। और तो हम आए हैं इधर गार्डन में बच्चों को क्रिकेट खिलाने थोड़ा सा, और ये दोनों बच्चे आए हैं और परेशान हो रहा था बहुत देर से, तो अभी आया हूँ मैं इधर गार्डन में और इसको थोड़ा सा खिलाता हूँ, इसके बाद चलेंगे। और तो थोड़ी बहुत देर में होने वाला अंधेरा, तो ये रहा अमन और कृषव, वो देखो वहाँ गिट्टी पे खेल रहा है रोड़ी पे। अरे कृषव क्या कर रहे हो, इधर आओ इधर आओ। ये देखिए देखिए कृषव बॉल लाता हुआ, और ये बॉल फेंक दिया कृषव ने बहुत दूर, और ये भाग गया बॉल फेंक के। तो हम लोगों ने खेल लिया क्रिकेट और शाम का हो गया वक्त, अब अंधेरा हो गया है, अब हम जा रहे हैं मंदिर में, बैल बज चुका है और अब हम जा रहे हैं घर। तो हो गया है आज का, हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे और चलते हैं जाते हैं घर। और अब मंदिर, अच्छा चलो मंदिर जा रहे भाई, कृषव को मंदिर जाना है तो अभी हम मंदिर जा रहे हैं, मतलब घर नहीं मंदिर जा रहे हैं। मजा आया खेलने में ना, फील्डिंग करने मजा आया? हाँ। बहुत मजा आया। हाँ, खेलने में बैट बहुत मजा आया और दीवार को खाने में बहुत मजा आया। क्या कह रहा है? ये कुछ भी बोलता रहता जो इसके मन में आता है बोलता रहता। तो हम चलते हैं और देखते हैं अब आगे का काम, हो गया शाम का वक्त, तो गुड बाय।